राणा सनाउल्ला का कहना है कि आजाद उम्मीदवार अगर मिलकर अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेंगे तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होगा। GNN से खसूसी गुफ्तगू में दावा किया कि मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। आसिफ अली जरदारी जितने मुतमईन हैं हमें पता है, वो सिर्फ सिंध तक महदूद हैं, आगे उनका कुछ नहीं है। राणा साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आजाद उम्मीदवार भी मिलके जो है वो बाद में वज़ीर आज़म बना सकते हैं, तो इससे सियासी अदम इस्तेहकाम और नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, कोई सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ने वाली बात नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा, पार्टी का उम्मीदवार भी कामयाब जो होगा पार्लियामेंट का मेंबर होगा, और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने ही जो है वो वज़ीर आज़म बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में शेर के निशान पर 100+ सीटें जीतने जा रही है। इंशाल्लाह हम अपनी सादा अक्सरियत से जो है वो मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। आसिफ सरदारी बड़ा मुतमईन है कि वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर आज़म बनता हुआ देख, वो उनका इत्मीनान जो है वो सिंध की हद तक है, वो रहेगा, उससे आगे कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि बानी चेयरमैन PTA को कब तक देख रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें जी, अदालतों में उन्हें सजा हुई है और उनके पास अपील के जो है वो फोरम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरह तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई फोरम ही नहीं है, तो ठीक है, वो अपना केस जो है वो लड़ें और अपना जो है वो रिलीफ हासिल करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, अदालती हम उसका एहतराम करते हैं। राणा साहब।